नमस्कार दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की दुनिया में मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का अभिनंदन आभार सादर प्रणाम। अपने कुल की कृति को गर्वान्वित करने वाले मेरे प्रिय शिष्यगण, कक्षा 10 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। मेरे प्रिय शिष्यगण, आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद है, इसलिए इस समय हम सभी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि हम घर बैठे बैठे एक दूसरे के संपर्क में रहें और नॉलेज की दुनिया से जुड़े रहें। अर्थात जीना उसका जीना है जो दूसरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है जो दूसरों को जीवन देता है, मरना उसका मरना है जो दूसरों का जीवन लेता है। चलती हैं लहरा के पवन ताकि सांसें सबकी चलती रहें। आप सभी मिलकर मुस्कुराएं ताकि हम सभी को घर बैठे भी मुस्कुराहट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें व्याकरण का पहला जो पॉइंट है जिसमें से तीन नंबर का क्वेश्चन आता है कक्षा 10 में, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है उसको न पढ़कर उसकी बेसिक चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, तब जाकर आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वाक्य पर विचार करते हैं कि वाक्य क्या है। इसकी परिभाषा है मेरे प्रिय प्यारे शिष्यगण, दो या दो से अधिक शब्दों के ऐसे क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अस्पष्ट अर्थ हो। अर्थात वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से ही बनेंगे, उनका एक क्रमबद्ध समूह होगा, उसी समूह से वाक्य बनेंगे और उस वाक्य का एक शर्त है कि उसका कोई एक अर्थ आना चाहिए, तब उसे हम वाक्य कहेंगे, जिसे हम सार्थक और निरर्थक वाक्य के बारे में आके हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन मोहन बैठा है, तो मोहन बैठा है एक वाक्य है, लेकिन वाक्य में तीन शब्द हैं, मोहन बैठा है, ये तीन शब्द हैं, तीन शब्दों का क्रमबद्ध एक समूह है। इसमें पहले मोहन क्या है, एक कर्ता है, और बैठना क्या है, क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया, लेकिन मोहन किस पे बैठा है ये नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है कि मोहन बैठा है, मतलब ये जो व्यवस्थित शब्दों का जो समूह है कर्ता क्रिया, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका कोई एक अर्थ आ रहा है बैठने का, कि मोहन नाम का एक लड़का है वो किसी स्थान पर बैठा है। दूसरा वाक्य है, सोहन किताब पढ़ रहा है, इसमें कितने शब्द हैं, सोहन एक, किताब दो, पढ़ तीन, रहा चार, और है पांच, पांच शब्दों का क्रमबद्ध एक समूह है। इसमें देख रहे हैं कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो कर्ता सोहन है और वो कौन सा कर्म कर रहा है, किताब पढ़ने का कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है ये क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये व्यवस्थित शब्दों का समूह है, इसे हम वाक्य कह सकते हैं, जिससे ये पता चल रहा है सोहन नाम का एक लड़का है जो कर्ता है और वो कौन सा कर्म कर रहा है, किताब को पढ़ने का कर्म कर रहा है और पढ़ना क्रिया है। तो इस तरह एक इसे हम सार्थक वाक्य कहेंगे। और तीसरा है दोस्तों, तीसरा है गाय घास चर रही है, गाय कर्ता हो गई, गाय कर्ता हो गई, और घास कर्म हो गया, चर रही है ये क्रिया हो गई। तो इस तरह गाय घास चर रही है तो कर्ता कर्म क्रिया, इससे ये पता चल रहा है कि कर्ता गाय है,
जो घास को चरने का काम कर रहे, उसका कर्म है घास, अक्रिया है चरना। तो दोस्तों, उपर्युक्त वाक्यों में यदि शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो अर्थ समझ नहीं आएगा। ये जितने ऊपर तीन वाक्य हैं, इन वाक्यों का क्रम हम बदल दें, पहले क्रिया कर दें, उसके बाद कर्म, कर्ता को लास्ट में कर दें, या कर्ता कर्म क्रिया एक में मिला दें, क्रम से न रहे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा, निरर्थक अर्थ आएगा, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आएगा। जैसे पहला है मोहन बैठा है, इसको हमने बदल दिया, है बैठा मोहन। ये क्या है बैठा मोहन, मतलब अव्यवस्थित हो गया, क्रिया को पहले हमने कर दिया, कर्ता को बाद में कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये निरर्थक वाक्य है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। दूसरा है सोहन किताब पढ़ रहा है, अब इसको हमने कर दिया, रहा है पढ़ किताब सोहन। क्या क्रिया को पहले कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने कर्म कर दिया, कर्ता को लास्ट में कर दिया। शब्द सार्थक नहीं आ रहा है, निरर्थक आ रहा है, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहेंगे, जो व्याकरण के नियमों में बंधा होता है, कर्ता कर्म क्रिया। तीसरा है गाय घास चर रही है, हमने कर दिया, चर है रही घास गाय, इसका भी अर्थ निरर्थक आ रहा है। इसका मतलब हमें शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए व्याकरण के नियमों के अनुसार। अब कुछ व्याकरण से, अरे वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला है वर्णों के उचित प्रयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के व्यवस्थित अर्थात उचित प्रयोग से, जब तक आप जानते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से एक भाषा का निर्माण होता है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो वर्णों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जैसे घोड़ा है, अब इसको मैं लिखूं उड़ा घो, उड़ा को पहले कर दूं, घो को बाद में कर दूं, शब्द तो बनेगा लेकिन निरर्थक शब्द बनेगा। इसलिए वर्णों के उचित प्रयोग से शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों के उचित प्रयोग से वाक्यों का निर्माण होता है, जो इसके ऊपर मैं बता चुका हूं। तीसरा है वाक्यों के उचित प्रयोग से भाषा का निर्माण होता है, एक भाषा बनती है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ये इसमें शर्त है कि उस भाषा में दोनों, सामने वाले को और बोलने वाले को, दोनों को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो जिस भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान माने लेता है, प्रदान माने देता है, तो मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब वाक्य के प्रकार में जान लेते हैं, वाक्य प्रकार क्या होता है। मुख्य रूप से अर्थ की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक वाक्य और दूसरा निरर्थक वाक्य। सार्थक वाक्य मैं बताया यहां पर, ये सार्थक वाक्य का एग्जाम्पल है तीन, और ये निरर्थक वाक्य का एग्जाम्पल है, इसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए सार्थक वाक्य के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वाक्यों को सार्थक वाक्य कहा जाता है जो वाक्य के पूर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं, यानी पूरा पूरा अर्थ देते हैं कि सामने वाला उस वाक्य के माध्यम से कहना क्या चाह रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, माँ खाना बना रही है और दादी कुरान पढ़ रही है, ये पढ़ है, दादी कुरान पढ़ रही है। तो माँ खाना बना रही है और दादी कुरान पढ़ रही है, इससे क्या एक वाक्य है और उस वाक्य से एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि माँ खाना बना रही है और उस समय दादी क्या कर रही है, कुरान धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही है। बात क्लियर हो गई।
अब कोई पूछे दादी क्या कर रही हैं, तो दादी कुरान पढ़ रही हैं, हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर लिए। माँ क्या कर रही है, माँ खाना बना रही है। अब निरर्थक वाक्य, ऐसे वाक्यों को निरर्थक वाक्य कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ अस्पष्ट ही नहीं होता है। जैसे इसी शब्द को मैं बोलूं, इसी वाक्य को, माँ खाना बना रही है और दादी कुरान पढ़ रही है, इसको मैं लिखूं बना रही है खाना माँ, कुरान और दादी रही हैं पढ़। यहाँ दादी है, ठीक है, छिप गया है। माँ बना रही हैं खाना, नहीं, बना रही हैं खाना माँ, कुरान और दादी पढ़ रही हैं पढ़। इससे क्या हुआ, शब्दों का समूह तो है लेकिन व्यवस्थित न होने की वजह से कर्ता कर्म क्रिया कहाँ रखा जाए, इसका व्यवस्थित समूह न होने की वजह से अर्थ इस वाक्य का स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम आपको होमवर्क देते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, जो मैं पढ़ाया उससे संबंधित आपको होमवर्क दूंगा, वह होमवर्क आप करके दिखाएंगे। इस होमवर्क को आप करेंगे और करने के बाद इसे आप दिखाएंगे, चेक कराएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, इसके बाद इस होमवर्क को आप दिखाएंगे। वर्ण, शब्द एवं वाक्य से आप क्या समझते हैं, अर्थात वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ओके, प्रश्न नंबर 2, कर्ता कर्म एवं क्रिया से आप क्या समझते हैं, अर्थात कर्ता की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, कर्ता कर्म और क्रिया की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक, अगर आप एग्जाम्पल भी लिख दें और बता दें उसको तो और बेहतर है। तीसरा क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सार्थक और निरर्थक वाक्य की परिभाषा देना है, जो मैं वीडियो में दिया हूँ, और उसका उदाहरण भी लिखना है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या लिखेंगे और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी समस्या का समाधान भी करूँगा। तो हिंदी व्याकरण की दुनिया में फिलहाल इतना ही। फीडबैक के लिए मुझे आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ कमी रही, कहाँ सही रही और कितना बेहतर पढ़ाया जा, कैसे आपको पढ़ाया जा। चूँकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरा लिंक है पीएम फाउंडेशन, लिंक मैं वीडियो में भी दे दूँगा और उसे आप उसी लिंक पर ही खोलेंगे आप, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। और जो भी हिंदी की तैयारी के माध्यम से बहुत सारी वीडियो मैं बनाया हूँ और बना रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो ये वीडियो ऑटोमेटिक जैसे मैं लोड करूँगा आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत। ये इस